हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी यहाँ पर लाइव क्लासेज होगी उन सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी तक नोटिफाई हो सके चलेगा कि सर ये क्या चाय का ग्लास लेकर आए हो क्या चलेगा आज का टॉपिक जो है आप गेस करिए कि सर क्या टॉपिक रहने वाला है वैसे थंबनेल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सर ये चाय का गिलास है क्या नहीं दोस्तों ये चाय का ग्लास नहीं है दोस्तों कि सर इसके अंदर झाग भी आ रहे हैं यस या नो चलेगा तो वन बाय वन करके हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं कि सर ये चाय का गिलास नहीं है ये आपको दिखाया गया है यूरिन का सैंपल क्या दिखाया गया है कि सर ये यूरिन का सैंपल है और हमारे यूरिन के अंदर नॉर्मल वैल्यूज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या ऐसी नॉर्मल वैल्यूज होती है जो हमें यूरिन के अंदर देखने को मिलती है साथ के साथ आपको एबनॉर्मलिटी भी मैं पढ़ाने वाला हूं कि सर यूरिन के अंदर ऐसी क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है तो क्या आप सभी लोग रेडी है यस या नो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम रेडी हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का चलेगा आज का टॉपिक जो है वो क्या है यूरिन के ऊपर है कि सर यूरिन के बारे में और यूरिन के अंदर जो नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं तो हेडिंग क्या होगी नॉर्मल वैल्यूज इन यूरिन यूरिन के अंदर जो है वो नॉर्मल वैल्यू जो है वो कौन कौन सी आपको देखने को मिलती है सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यूरिन का जो कलर होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है और आप सब लोग जानते भी बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो आप सभी जानते हैं कौन सा कलर होता है ये स्ट्रो कलर हमें देखने को मिलता है लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर स्ट्रो कलर ना दे रखा हो और वहां पर दे रखा हो लाइट पेल येल्लो क्या दे रखा हो लाइट पेल येलो तो ये भी आपका आंसर हो सकता है क्लियर तो सर कलर जो है वो यहां पर आपको दो देखने को मिलते हैं इसर, एक इस कलर या ऑप्शन के अंदर लाइट पेल येलो कलर आपको देखने को मिलता है चलेगा ये भी हमने पढ़ लिया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूरिन के अंदर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है आप सभी जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि आपका यूरिन कितना गाढ़ा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि कितना यूरिन के अंदर गाढ़ापन है और बोला जाता है दस सोलह से दस पच्चीस जीरो से लेकर वन पॉइंट जीरो टू फाइव तक क्या देखने को मिलता है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको देखने को मिलती है चलेगा सर ये भी हमने पढ़ लिया चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि सर जब हम यहां पर पीएच को पढ़े ठीक है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसे आप पीएच के नाम से जानते हैं और आपकी बॉडी के अंदर पीएच कितनी होती है किसकी यूनियन की तो आंसर दीजिएगा कितनी आपको देखने को मिलती है और ये मैंने बताया हुआ भी है तो नॉर्मल पीएच की बात करते हैं तो 4.5 से लेकर 7.8 तक आपको क्या देखने को मिलती है यूरिन की क्या देखने को मिलती है पीएच जो है हमें देखने को मिलती है चलेगा सर नेक्स्ट क्रिटनीन का लेवल <laughs> बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर यहाँ पर क्रिटनीन का लेवल जो होता है वो हमें कितना देखने को मिलता है जब हम यूरिन के अंदर देखें तो आप सभी जानते क्रिटनीन किडनी के द्वारा एक्सक्रिएट किया जाता है और ये कितना होता है 0.1 से लेकर 1.3 mg/dl तक हमें देखने को मिलता है क्रिएटिनिन का लेवल इसका क्रिएटिनिन का लेवल हमें देखने को मिलता है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यूरिन के अंदर बिलुरबीन पाया जाता है क्या सर आरबीसी पाई जाती है क्या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना कि कितनी होती है आरबीसी कितनी होती है या कितना होता है या डब्ल्यू कितना होती है या किटोन जो है वो किटोन पाए जाते हैं क्या और सुगर क्या ये सभी आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत कमेंट करोगे कि सर ये नॉर्मल फाइंडिंग्स के अंदर हमें नजर में नहीं आते हैं आप क्या बोलोगे नेगेटिव आप बोलने वाले हैं क्या बोलेंगे कि सर ये चीज क्या है यहां पर नेगेटिव हमें देखने को मिलती है सर ये भी सही है फिर बात करते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी हम यहां पर चेक करते हैं क्या बिल्कुल नॉर्मली फाइंडिंग फाइंडिंग की बात करते हैं तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी हम यहां पर चेक करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है 7 से लेकर 20 mg पर dl कितनी होती है 7 से लेकर 20 mg पर dl आपको देखने को मिलती है तो ये मैंने आपको नॉर्मल कि जो है फीचर्स आपको बताए हैं कि नॉर्मल वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी आपको देखने को मिलती है यूरिन के अंदर आई होप आप सभी को को समझ में आ गया होगा इज दैट क्लियर या चलेगा किसी को कोई कोई डाउट है है पूछना चाहता है, तो अभी भी पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज मैंने आपके लिए बताई है कि नॉर्मल वैल्यू ये ये आपको देखने को मिलती है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज का जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो किस चीज के ऊपर आधारित है वो मैंने आपको बता दिया है सर आपने यहां पर यह तो बता दिया कि नॉर्मल वैल्यूज आपके इतनी 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 देखने को मिलती है है हाँ? ना तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मलिटी क्या पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी सर ऐसी कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आती है यूरिन के अंदर उसका जो कलर चेंजेज हमें देखने को मिलता है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे और लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बाय बाय एंड टेक केयर